उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। इट इज फॉर प्लीज ए उग्रवादी बोले नहीं तू आगे भी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिशल जी प्लीज सिट डाउन। आतंकवादी है उग्रवादी है ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुरी जी सर अभी मैं बताना चाहता हूँ अधीर रंजन जी अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे लिस्ट पढ़ रहे थे उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक इसकी बात करते बाहर देखो इस मुल्ले को if anything wrong अभी रोड पढ़ रहे थे सर। इस लोकसभा में चंद्रयान मिशन की सफलता पर चर्चा के दौरान जिस तरीके से बीजेपी के सांसद रमेश बिदूड़ी ने बीएसपी के सांसद दानिश अली के ऊपर अमर्यादित और जातिगत टिप्पणी किया उससे सिर्फ सदन की बदनामी नहीं हुई बल्कि पूरे देश में राजनीति करने वाले सभी लोगों की बदनामी हुई है। जहां रमेश बिदूड़ी के इस आचरण से विपक्ष के सभी नेता नाराज हैं वहीं बीजेपी पार्टी और उनके नेता भी नाराज हैं और बिदूड़ी से माफी मांगने को कह रहे हैं। वहीं AIMIM के नेता इस तरह की घटना को लेकर काफी नाराज और गुस्से में हैं। वे दानिश अली के ऊपर ही भड़क रहे हैं कि उसने सही से जवाब क्यों नहीं दिया। रमेश भिदूड़ी द्वारा जिस तरीके से लोकसभा के अंदर दानिश अली पर अशोभनीय अमर्यादित टिप्पणी की गई, पहले तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात की अपने कड़े शब्दों में निंदा करती है। इसके अलावा पूरे कौम को एक संदेश देना चाहती है, एक मैसेज देना चाहती है कि दानिश अली एक कायर सांसद के रूप में उन्होंने पूरे कौम और मिल्लत को शर्मसार करने का भी काम किया है, क्योंकि इस कौम की पहचान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से है, इस कौम की पहचान मोहम्मद बिन कासिम से है, इस कौम की पहचान खालिद बिन वलीद से है, इस कौम की पहचान नूरुद्दीन जंगी से है, इस कौम की पहचान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से है, इस कौम की पहचान अकबरुद्दीन ओवैसी से है, जिन्होंने कौम के लिए अपनी जान की भी बाजी लगाने को तैयार हैं, मगर कौम को कभी शर्मिंदा करने के लिए तैयार नहीं हुए और कभी कौम को शर्मिंदा नहीं होने दिया। मगर दानिश अली ने जिस तरीके से उन्हें जवाब देना चाहिए था करारा सदन के अंदर, अपनी बात रखनी चाहिए थी और अगले व्यक्ति को जिसने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया पूरे कौम के लिए, बात दानिश अली को लेकर नहीं है, बात पूरे कौम की थी, उनको अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए थी, उसको गलत साबित करना चाहिए था, सदन के अंदर बोलना चाहिए था कि आपने गलत बयानी की है और इसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए था। ना ये सब ना करके वो निकल के आ रहे हैं, रो रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं, कौन को शर्मिंदा कर दिया, अब उसकी क्या नाम है अपनी TRP के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जब उन्हें करना चाहिए था सदन के अंदर तो सदन के अंदर चुपचाप बैठे हुए थे, सुन रहे थे बातों को और पूरे कौम को शर्मिंदा कर दिया। अगर यहीं पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होते तो उनको जवाब देते हो, करारा जवाब देते। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।